सीएम हेमंत सोरेन ने पहले ही कैबिनेट में नौकरियों को लेकर के अपना पिटारा खोल दिया है। उससे पहले बता दें कि मैं हूं अमित झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज बाइस्कोप। आज शपथ ग्रहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे प्रोजेक्ट भवन और साफ तौर पर पहले ही कैबिनेट में उन्होंने कहा है कि पुरानी जो भी नियुक्तियाँ हैं उसे जल्द ही पूरी की जाएगी, साथ ही जनवरी महीने के पहले सप्ताह में ही कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी नियुक्तियां हैं सभी जल्द से जल्द हम उस पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देंगे और जो कैलेंडर है वो भी जारी कर देंगे। सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वही सहयोग अग्निवीर के परिजनों को भी दे होगा। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले ही असम के सीमावर्ती क्षेत्र में उग्रवादी घटना में 21 या 22 तारीख का दिन है जहां झारखंड का एक नौजवान चंदन क्यारी बोकारो जिले का एक क्षेत्र है, वहां का एक नौजवान अर्जुन महतो जो वीर गति को प्राप्त हुआ उनको और आज हमने उनके परिजनों को बुलाया, उनके भाई को हम लोगों ने एक नियुक्ति पत्र दिया और 10 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान भी उन्हें उपलब्ध कराया गया और उनके भाई बलराम महतो बोकारो समरणालय में चतुर्थ वर्ग के पद पर उनको नियुक्त भी किया गया। लगभग मुझे लगता है इस घटना को हुए हफ्ता दिन हुआ होगा और हमारी कोशिश थी कि अविलंब उनको ये सहायता उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि राज्य में आचार संहिता लागू था, सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही थी और सरकार गठन होने के पहला कदम हम लोगों ने उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का अपना संकल्प पूरा किया। चूंकि भविष्य में भी बड़े पैमाने पर पुलिस की बहाली होनी है, इसलिए अविलंब पीछे हुए नियुक्ति में जो घटना घटी है उसकी समीक्षा की जाएगी। राज्य में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार एक जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। साथ साथ में यह भी निर्णय लिया गया असम में जो वहां के चाय बगान में बरसों बरस से यहां के मूल वासियों को ले जाया जा करके जो वहां बसे हैं, जो विशेषकर जनजातीय समूह जो झारखंड मूल के हैं उनकी दशा एवं उनके भविष्य में दिए जाने वाले सुविधा का अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एवं पदाधिकारियों का दल
असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन करेगी और सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके हम समक्ष हमने रखा है। बाकी चीजें हैं और भी है जो हम समय समय पर आप सब लोगों के समक्ष अवगत कराने का काम करेंगे। नौ से बारह के बीच में हाँ सत्र जो है दिसंबर 2500 वाला। मैंने तो अभी कहा भाई दिसंबर तक मिल जाना है। कैबिनेट विस्तार सर, कैबिनेट एक्सपेंशन बहुत जल्द, मुझे लगता है हो सकता है कि एक दो दिन में हो जाए। चिंता ना करें, उसके लिए आप लोग चिंता ना करें। अब सरकार पूरी मजबूती के साथ काम करेगी, आप लोगों के भी सेवा में रहेगी और आप लोगों का उम्मीद करते हैं कि सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद हम लोगों की तरफ से बधाई। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत। आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने कहा है कि जितनी भी नियुक्तियां जो पेंडिंग है पुराने जो सरकार में, वो सभी जल्द से जल्द पूरे कर दिए जाएंगे, यानी कि 2025 के जनवरी महीने में ही वो पूरा कर देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो कैलेंडर है वो भी हम जारी करेंगे। उसके बाद बता दें कि चंदन क्यारी में अग्निवीर में शहीद अर्जुन महतो के परिवार वालों से भी उन्होंने आज मिला और उसके बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर 10 लाख रुपये का चेक जो है अर्जुन महतो के परिवार वालों को दिया है। साथ ही उनके भाई जो बलराम महतो है उन्हें भी नियुक्ति पत्र सौंपा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जो भी वादा किए हैं वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पूरा करें। अब देखने ये वाली बात है कि हेमंत सोरेन जो भी वादा किए हैं वो कितना जल्द पूरा कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।